Non la sua Va bene, possiamo andare. इसे जी रिकंसलेशन में भी बनाता हूँ बाकी है कि मैं सवाल उसके समय नहीं रिकंसलेशन नहीं है लास्ट पॉइंट पढ़ के बताएं करंट टैक्स में कौन सा रेट लेंगे और डेफर टैक्स में करंट टैक्स से अगर 35% से करेंगे अदर देन डिविडेंड इनकम अच्छा ये जो रेट इस वक्त चेंज है ना ये फ्यूचर में होना चाहिए और सॉरी इसमें टू लिखा हुआ है और टाइप हो गया बाय हो गया ये तो वर्ड सही कर दिया 5% तक हो गए बाय हो गए ये तो सही कर लिया मैंने आपको रोज लिमिटेड इसलिए कहा था कि इसमें अगर फ्यूचर रेट्स का पता हो तो करंट रेट में ना फ्यूचर रेट में करंट टैक्स में करंट ईयर रेट आ गया और डेफर टैक्स की वर्किंग करते हुए आते अदर देन जो डिविडेंड है वो फिर 30% से वर्किंग कर ली उसमें तो नहीं मसला करंट टैक्स की वर्किंग में और डेफर टैक्स की वर्किंग में पहले बता दो मसला करती चलो उसमें बात कर लो मतलब वर्किंग वगैरह तो होगी लेजर में 51.45 को कैलकुलेट होगा क्लोजिंग कैलकुलेट हो गया सर 24.5 ये ना सर में वो नहीं है जो वही तो मैं इसमें कुछ कर रहा हूँ ये नहीं हुआ कि पिछले साल रेट और इस साल रेट और हो गया मतलब ये वो नहीं है मैं वही बताने जा रहा मतलब ओपनिंग कब रीमेजर करते थे करंट ईयर में टैक्स रेट चेंज हुआ करंट ईयर में टैक्स रेट चेंज हुआ और अगर करंट ईयर में चेंज हो फिर तो अपने करंट टैक्स की वर्किंग भी उसी रेट से करनी थी जो करंट ईयर में रेट है तो करंट ईयर में रेट 35% ही है पिछले साल की अगर हमें इंफॉर्मेशन नहीं तो वो भी 35% ही होगा ये फ्यूचर में रेट बदलेगा तो हम जिस रेट चेंज से के आदि हैं वो क्या है कि पिछले साल में और था और इस साल और है तो फिर इसका मतलब ये होगा कि आपका जो इस साल वो अपनी बैलेंस है पिछले साल के क्लोजिंग रेट से मल्टीप्लाई होगा तो फिर इसे हम उसको रीमेजर कर लेते हैं और उसके बेस पे वर्किंग कर लेते हैं तो ये करंट ईयर में रेट चेंज नहीं हुआ ये करंट ईयर में एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर का रेट डिफरेंट होगा सही तो बता रहा चलो ठीक है पहले तो ये वाला क्लियर कर देना कि वो रेट का चेंज कौन सा जिसका आपको पता पिछले साल कुछ और रेट था इस साल रेट बदल गया तो फिर आप ओपनिंग रीमेजर कर रहे ये क्या सिचुएशन है करंट ईयर में 35% ये नेक्स्ट ईयर में एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट ईयर में अगले सालों में एक्सपेक्टेड है कि रेट जो है वो 30% होता है इसके जरा रिकंसलेशन बना दो उसमें अफेक्ट ऑफ रेट चेंज आना तो है लेकिन कैसे वो फॉर्म पा दो रिकंसलेशन स्टार्ट करवा दो सर बल्कि सर करंट टैक्स और डेफर टैक्स की तरफ किस लिखवा दो करंट टैक्स अच्छा एक प्रायर ईयर टैक्स भी तो हो गया नहीं करंट टैक्स 41.65 डेफर टैक्स
नेट अप हो जाएगा। अब यहाँ सिर्फ टोटल इसके लिए आपने किया था कि रिकंसिलिएशन सॉर्ट ऑफ फाइनल हो, और प्रायर ईयर टैक्स है ये तो कैलकुलेट हो रहा था। ये सर रिकंसिलिएशन का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, अकाउंटिंग करके टैक्स रेट आ गया। टैक्स रेट तो आपने उसी साल का लेना होता जिस साल में आप होते हैं। यस सर, और सर गई है सर, यस होगा हमें क्या। एक्सपेक्टेड टैक्स बन गया 17.5। देखिए सर मैं इसकी कंसेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, रेट लग गया 35%। यस सर, नंबर वन तो परमानेंट को नहीं लगना चाहिए था, तो परमानेंट है मेरा ख्याल है, नहीं वो मतलब परमानेंट एग्जैक्टली परमानेंट एंटरटेनमेंट होगा 7 × 35%। जन डिविडेंड का क्या मसला, वो भी 20% एग्जाम था, 35% रेट है, 15% का रेट है, एग्जाम पे कितने परसेंट, 6 × क्या करें 35, 15, 20। इसमें नहीं सर, नहीं प्रॉफिट इसमें बहस ही नहीं, प्रॉफिट में इनकम आ रही, प्रॉफिट में इनकम आ रही है सर, सिर्फ मसला ये सर जी नहीं हो रही। ये आपको किसने कहा, इस प्रॉफिट के अंदर टेम्परेरी डिफरेंसेस भी हैं, परमानेंट भी हैं, इसीलिए तो ये रिकनसाइल हो जाता है। ये नहीं है बहस, इस प्रॉफिट के अंदर टेम्परेरी भी हैं, परमानेंट भी हैं, तो टेम्परेरी पे डेफर टैक्स भी है, करंट टैक्स भी है, जो अदरवाइज प्रॉफिट से टैक्सेबल प्रॉफिट उन पे करंट टैक्स था, सिर्फ परमानेंट डिफरेंस इग्नोर हो गया। किया मैंने 7 × 35%, इस पे डेफर टैक्स की बहस है, ठीक है। तो 6 इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में है, 6 है, 4 है, 2 इनकम, प्रॉफिट लॉस में तो चाहिए, तो इनकम पे इसके अंदर जो इनकम है उस पे करंट टैक्स में शायद लेदर रेट लगना था 4 पे, और डेफर टैक्स पे लेदर 2 पे लगना था, तो 4 पे भी लगना था, 2 पे भी लगना था, लेकिन 15-15% लगना था, तो ये 35 लग गया। इसमें कितना शामिल है, 50 में 6 शामिल है, तो उस 6 में से जो 4 है उसमें करंट टैक्स में रेट लगना था, और 2 पे डेफर टैक्स में लगना, तो रेट तो लगना था लेकिन 15% लगना था। कितना लग गया जब हमने 35% लगा, 35% के हिसाब से टैक्स बन गया। वन पॉइंट प्लस था माइनस, देन उसके बाद आते हैं, और तो नहीं कुछ रहेगा ना, द फैक्ट ऑफ रेट चेंज का भी मसला क्या है, नहीं मतलब नहीं वो इस वक्त छोड़ दो, वो भी इस वक्त छोड़ दो, इफेक्ट ऑफ रेट चेंज का मसला क्या है, नहीं मसला नहीं ये मसला था, ये मसला अपनी जरा बच्चे की गलत अपने डेफर टैक्स की है। आगे जहां जहां 30% रेट लगा है वहां 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 35% आपका लग जाता है, तो क्या ये फिर इफेक्ट ऑफ रेंट चेंज को रिकंसिलिएशन में आता, अगर 35% होता तो फिर कुछ भी नहीं होता। इस 15 का हमने इफेक्ट ले लिया, ये जो 15 कम रेट लगा हुआ ना, ये तो डिविडेंड वाला हमने कंसिडर कर लिया, ये वैसे भी अपने अलग रेट इसलिए लगाते क्योंकि उसका रेट अलग था, तो जहां जहां 30% रेट लगा हुआ, अगर यहाँ 35% रेट आपने लगाया होता तो ये इसका रेट चेंज का इफेक्ट ही ना होता। तो मसला सिर्फ क्या होगा, क्या दोबारा प्रॉफिट के एंगल से अगर देखा जाए
तो प्रॉफिट को ज्यादा रेट लगे मल्टीप्लाई होते हुए, प्रॉफिट पे कितने परसेंट रेट लगा हुआ है? हालांकि डेफर्ट टैक्स के एंगल से अगर 35% लग जाता तो फिर तो बात खत्म थी, लेकिन डेफर टैक्स के एंगल से अब रेट लगा हुआ है 30%। तो हमने पूरे प्रॉफिट पे, जिसमें अकाउंटिंग प्रॉफिट्स, टैक्सेबल प्रॉफिट सबका इफेक्ट में, हमने इस पूरे प्रॉफिट पे 35% रेट लगा दिया। तो अगर डेफर टैक्स की वर्किंग में भी अपने 35% रेट लगाया होता ना बिल्कुल कर रहा होता, तो वंस अगेन सिर्फ ये सोचने, क्या ज्यादा रेट लगा हुआ डिफरेंशिएशन के एंगल से, क्या फिलहाल ज्यादा रेट लग गया सर, कितना लगना चाहिए था कितना लग गया? तो रेट ज्यादा लग गया, लेकिन इसकी वर्किंग कैसे करेंगे? इसकी तरफ फिगर्स ढूंढे, 24.51 एक क्लोजिंग बैलेंस है शायद। तो इसमें भी उधर लेजर आप कह रहे थे, नहीं डिविडेंड वाला, मेरे ख्याल है डिविडेंड वाला हमने फिर भी एडजस्ट करना ही था। ये दोबारा अपनी वर्किंग देखें, 15% वाला तो हमने 20% इफेक्ट लेना ही था, तो वो ले लिया होगा। उसके अलावा मसला सिर्फ उनका रहेगा जिन पे 35% रेट लगने की बजाय 30% रेट लगा था। और लेजर अगर हम देखें तो ओपनिंग का मसला नहीं है, ओपनिंग पे कितना रेट लगा होगा वो 35% ही आपने लगाया है। सिर्फ किसका मसला हो गया, तो क्लोजिंग पे कितना रेट लगा हुआ है और हमने प्रॉफिट को किस रेट से मल्टीप्लाई कर दिया है, बस ये मसला। तब इसे कैसे करेंगे? अब इसके डिफरेंटली वर्किंग के स्टाइल डिफरेंट हो सकते थे। एक तो ये डिफरेंसेस से रेट भी लगा सकते हैं। आपके पास वर्किंग जो हुई है वो इस तरह हुई है कि सबसे पहले तो इसमें से -0.3 हुआ, ये ढूंढे ये क्या हुआ, ये डिविडेंड को क्यों इग्नोर किया ये? उसका जो होना था वो हो गया, उसका जो रेट चेंज का इफेक्ट वो हो गया। तो देन ये कैलकुलेट हुई भी ये फिगर 30% की बेस पे, तो डिवाइड बाय 30 अगर आप करेंगे तो ये डिफरेंसेस दोबारा आ जाएंगे। कैलकुलेटर रखना पड़ेगा, यहां तक एक आंसर बताइए। पॉइंट यार 24.51 -0.3 डिवाइड बाय 30 × 100 चले करो, 30% होगा। ये क्या फिगर है, किस चीज की फिगर है? ये उन डिफरेंसेस की फिगर है जो अदर देन डिविडेंड है। अब अगर आप इन्हें दोबारा रिकंसाइल करना चाहें तो अपना आंसर देखें, ये 145 टैक्सेबल था, डिडक्टेबल था, टैक्सेबल डिविडेंड इग्नोर करेंगे इस वर्किंग में, उनको अगर चेक करने तो इसका ये नेट डिफरेंसेस का इफेक्ट आ जाएगा। बल्कि शायद आइडिया तो है, ये डिवाइड, ये मल्टीप्लाई किस रेट से हुआ था? अब 30% से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो ये दोबारा डिफरेंसेस आ जाएंगे, जिस तरह ओरिजिनल भी रेट चेंज में हम करते हैं। ठीक है, तो प्लीज दोबारा जरा बोलना, फिगर से 24.51 के क्लोजिंग है जो 30% की बेस पे, लेकिन सॉरी इसमें डिविडेंड इनकम जो है उसका 15% रेट था, इसलिए वो मैंने माइनस कर दिया। तो रिमेनिंग ये वो डिफरेंसेस आ गए जिन पे आपने 30% रेट लगाया था, उन डिफरेंसेस का डेफर टैक्स आ गया जिन पे आपने 30% रेट लगा के वर्किंग की थी। तो अगर मैं डिवाइड बाय 30 करूंगा तो ये क्या होगा, ग्रॉस हो जाएंगे फिगर्स, और इनटू आप बता दें कितने परसेंट से मल्टीप्लाई करें। आप 5 से करते आप देंगे, लेकिन साथ क्या जेम रखना होता, क्या ये रेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? और सच ही बढ़ रहा है या कम हो रहा है यार, 35% और 30%, क्या इससे रेट बढ़ रहा था या कम हो रहा? हमने ज्यादा रेट लगाया हुआ नहीं, 35% लगाया हुआ, हालांकि डेफर टैक्स का वाकई रेट 30% ही है, हम उसका रेट नहीं बढ़ा रहे। क्या हमने 35% से टैक्स रेट मल्टीप्लाई किया हुआ, तो हमें 5% इसको बढ़ाना है या कम करना है? क्या मैं उसका ये कह रहा हूँ डेफर टैक्स वाली वर्किंग चेंज करना है, वो हो गई है। अब ये रिकंसिलिएशन में मैच कैसे होगा? ये जो डिफरेंसेस आए इन पे 30% रेट लगना चाहिए, लेकिन जब हमने प्रॉफिट लिखा तो उस पर 35% रेट लग गया। तो अब फिगर बता दो, 4.04 रेट बढ़ा हुआ या कम हुआ? हमने ज्यादा लगाया हुआ है कम लगाया हुआ? ऊपर ऊपर हमने ज्यादा लगाया हुआ, हालांकि इसका रेट 30%, तो प्लस हो गया या माइनस हो गया? रेट कम हुआ सर। कैसे रेट कम हो रहा है? रोड तो बढ़ रहा है,
35% लगा हुआ, हालांकि 30% इन डिफरेंसेस पे लगना चाहिए, ठीक है सर। तो रेट अगर कम हो रहा हो इतना तो याद आ रहा है, प्लस करना है माइनस करना, सॉल्व कीजिए। इसका एक मिनट आंसर निकाले 503 पेज पे, उसके नीचे ना एक जहाँ ये वर्किंग हुई थी कंसिलिएशन के नीचे एक लाइन लिखी हुई है, इट इज नॉट अ चेंज इन टैक्स रेट इन द करंट ईयर। पहले तो ये देख लूंगा ये करंट ईयर में टैक्स रेट बदला हुआ है, इट इज द इफेक्ट ऑफ, इसमें भी एक वर्ड जरा प्रॉब्लम लगाना, चेंज इन टैक्स, इट इज द इफेक्ट ऑफ के बाद लिखना इन रेट ऑफ, रेट के बाद भी ऑफ लगाना, इट इज इफेक्ट ऑफ चेंज इन रेट ऑफ, जरा कर रहे वर्ड मिसिंग है, किसी का कहना It is effect of change in rate of future. अरे बात अब समझ आ गई, प्लीज क्या हुआ सर, क्यों ये 5% एडजस्टमेंट हुई? करंट टैक्स 35% की बेस पे कैलकुलेट हुआ, डेफर्ड टैक्स, अच्छा 30 पे हुआ क्यों? लेकिन फिर रिकंसिलिएशन में उसका इफेक्ट कैसे आना है, ये वो रेट चेंज नहीं है, ये भी क्लियर करने के बाद, वो रेट कौन कौन सा चेंज है पिछले सालों में, अगर रेट डिफरेंट और करंट ईयर में डिफरेंट हो फिर क्या करेंगे, करंट टैक्स की वर्किंग भी करंट ईयर के टैक्स रेट से करेंगे, फिर सिर्फ ओपनिंग रीमेजर करेंगे, और अगर ओपनिंग भी रीमेजर करेंगे तो वो भी बड़ा रिकंसिलिएशन में आता है, और वो भी इसी कॉन्सेप्ट से आता है, अगर रेट बढ़ रहा हो तो वही होता है, और रेट कम हो रहा हो फिर भी वही होता है। तो जहां मेरे पीछे 20 मिनट से बातें साइलेंट है, एक और सही, रेट बढ़ रहा हो तो टैक्स बढ़ेगा या कम होगा, और अगर रेट कम होगा टैक्स कम होगा, अकॉर्डिंगली अगर रेट टैक्स बढ़ रहा होगा तो रिकंसिलिएशन में प्लस करेंगे, और अगर कम हो रहा होगा तो माइनस करेंगे। बहरहाल इस पॉइंट का एक और मतलब ये भी है कि समटाइम्स हो सकता है कि एग्जामिनर, ये बड़ा रेयर चांस है कि एग्जामिनर कोई भी सवाल आपको पूरा कर लेने दे, उसने कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर करनी है कि आपका पूरा सवाल ना हो सके, खुशी खुशी आप बाहर ना आ सके। इसका मतलब यही तरीका यही होता है कि जो आता है वो बेस्ट परफॉर्म कर दे, और फिर जो एक आधी लाइन नहीं आती उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट करने के बजाय जो दिल करे, जिस तरह उसने पंगा लिया आप भी कैसा नहीं तो सब लग पता, एंड दैट्स इट। लेकिन बहरहाल अब ये बात हो गई, इसकी इसको प्लीज नोट जरूर कर लीजिएगा, लेकिन बहरहाल आपकी आपके रिस्पॉन्सेस से महसूस ये हुआ है कि ये मैंने क्वेश्चन कहा ही नहीं था कल, पेज नंबर 70 नहीं कहा। हाँ जी, मिंट में भी उसमें फ्यूचर का रेट डिफरेंट है। अब मेरा ख्याल है मिंट एकदम मासूम सवाल रह जाएगा, एक दफा दोबारा मिंट रखें, मिंट मेरा पहले डिस्कशन रहती है उसकी, तो मिंट दे, मिंट रखो, मिंट एक क्वेश्चन का नाम है, मतलब मिंट लेमिनेट ही सवाल नहीं, मिंट रख लेते इसका पेज, मतलब मेरा ख्याल मेरी इसके, लेकिन अब वैसे मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई इशू है, रिकंसिलिएशन वाला देख लीजिएगा, उसके में बारे डेफिनेट एक्सी वर्किंग दो तरीकों से हुई भी है, वो देख ले रहेगा सर, कोई कल डिस्कस कर लेते, मैं तो डिस्कस कर चुका हूँ, आइए से 8 के साथ आपके रजिस्टर में लिखा हूँ, मिंट रखना है जी, मिंट का पेज नंबर बता दो, इधर ही है कहीं, नहीं पेज इसमें पीछे तरफ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बता दो, मिंट मिंट लेमिनेट के नाम से एक सवाल था, लेकिन बहरहाल उसमें 441, अच्छा वो उसमें आईएएस 38 भी शायद है, लेकिन अब करें तो सही तरह करें, फिर मतलब एक दफा दोबारा रिवाइज करें, उसमें डेफर्ड टैक्स रिवैल्यूएशन सरप्लस वाला भी है, और 37 वगैरह का भी कुछ है मेरा ख्याल, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी है शायद, तो अब अगर रिवाइज करें तो सही तरह टाइम देख लें, तो पेज 441 पे आपने यकीन उस जमाने में कुछ ना कुछ किया था, तो अब एक दफा दोबारा देख लें, अब मेरे ख्याल उसकी रिकंसिलिएशन में मेरा नहीं ख्याल वैसा इशू है, उसमें रेट चेंज तो नहीं है, देख लें बहरहाल, इसमें ये डिविडेंड वगैरह यही है,
उसमें डिविडेंड्स दो है मेरा ख्याल, एक करंट ईयर का रेट और है फ्यूचर का रेट और है, तो वो आप जरा गौर से देखिएगा ना, उसमें वही हुआ है ऊपर प्रॉफिट पे कौन सा रेट लगा पहले वो देखना है और फिर उसके साथ कंपेयर करना। वहां दो हिस्से हो गए, फ्यूचर डिस्कस कर लेते हैं पहले एक ना सही तरह पेज नंबर 17 पे आना। स्टूडेंट्स को पता चल गया कौन सा पेज पे है, चले सर इधर कुछ बातें उधर कोशिश करें खत्म हो जाए फंसी क्यों। पेज नंबर 17 पे खड़ी है एग्जांपल्स ऑफ प्रॉमिस गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, तेजी से पढ़ रहे बस। डिफरेंट बिजनेसेस कौन कौन सी तरह की चीजें बेच के रेवेन्यू कमा सकते हैं, सेल ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बाय एंटिटी हो सकता है सर, ब्रैकेट पढ़ा है गुड्स प्रोड्यूस्ड अगर है तो क्या मैन्युफैक्चरर की बात हो रही, रीसेल ऑफ गुड्स परचेज भी हो सकती है सर, ब्रैकेट देखते रहिए। समटाइम फ्रॉम परफॉर्मिंग एग्रीड अपॉन टास्क, एग्रीड अपॉन टास्क का मतलब होता है कि आप काम तभी शुरू करेंगे जब किसी कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट होता है। मसलन फॉर एग्जांपल आप रोड्स बनाते हैं, हाँ ठीक रोड भी सही, लेकिन आप सड़कें बनाते हैं पुल बनाते हैं, तो आपने पुल और सड़कें पहले बना के रखी होंगी ताकि जो कस्टमर आए उसे। आप मोटरवेज बनाते हैं, एयरपोर्ट्स बनाते हैं, रेलवे लाइंस बिछाते हैं, ये काम आप कब ही शुरू करेंगे, जब कस्टमर आएगा एग्री हो, पहले एग्री होगा क्या बनाना है फिर उसके बाद काम शुरू होगा। ब्रैकेट में एक मासूम सी एग्जांपल लिखी हुई है, सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्टवेयर किसी के पास है बना बना उसमें चेंजेस करवाना चाहता है, कस्टमाइजेशन क्या होती है, अपनी 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 जरूरत के मुताबिक चेंज करवाना। इस तरह अगर आपको शर्ट लेने जाए तो समटाइम्स आपके नाप की पूरी सही तरह नहीं होती, कस्टमाइजेशन चाहिए अकॉर्डिंगली अपनी मर्जी से, ऑल्ट्रेशन शर्ट बोलता हूँ, अपनी अपने साइज के मुताबिक उसे करवाने के लिए जो आप उसमें प्लस माइनस करवाते हैं that is customization, change according to the requirement. Agency services, just एक idea इसका होना चाहिए, बाकी as such कोई याद करने वाली चीज नहीं। Agency services, कोई commission agents भी होते हैं, property dealers, brokers, फिर construction business भी होता है sir, constructing, manufacturing, developing an asset on behalf of a customer, घर या building. लाइसेंस भी बेचे जा सकते हैं, जिस तरह इस वक्त मेरा पंजाब कॉलेजेस नहीं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के अब नाम से लोग फ्रेंचाइज खरीद लेते हैं, अलाइड स्कूल्स की भी चलनी की है, पंजाब कॉलेजेस पूरे मुल्क में फैले हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि वो खुद ही ब्रांच ओपन करता हूँ, प्राइवेट इन्वेस्टर भी पैसे दे के उनके नाम से फिर कॉलेज रन कर लेता है, नाम खरीदा जाता है। इस तरह अगर आपका प्लान है कि आपने अपने जहां जहां से शहरों से आप लोग आए हैं वहां आपने KFC का शॉप खोलनी है ताकि नौजवान वहीं मुस्तफीद हो सके, तो आप क्या करेंगे, KFC के नाम से बोर्ड बनवा लेंगे, पहले आप उनको उनके पैसे दें। ग्रांटिंग एंड ऑप्शंस भी हो सकता है सर, अब आपका विजन काफी ब्रॉड हो चुका है पिछले दो तीन हफ्तों में, granting options to purchase additional goods like discount vouchers, then iske baad thoda sa niche aa jaye, indicators of transfer of control, heading ka meaning speed up ho raha hai sir, pen pakad le tezi se chal raha hai, hame kaise pata chalega ki control transfer ho gaya ya nahi, uske kuch indicators, लेकिन वैसे नॉर्मल हालात में आपको पता है कंट्रोल का ट्रांसफर होता है, जब गुड्स डिलीवर होते हैं, गुड्स डिलीवर होने से क्या होता है, पांच इंडिकेशंस लिखी हुई है जो डिफरेंट सिनेरियोस में ये आपको बता सकती हैं कि इन चीजों के होने से अब गुड्स आपकी बिक गई है, मीन्स कंट्रोल ट्रांसफर हो गया और अब आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। कॉन्सेप्ट सिर्फ इसका समझने की जरूरत है, रखा नहीं है, पढ़े पहला समझ रहा था, एंटिटी और कस्टमर जेन में रखिएगा जरा, एंटिटी हैज अ राइट टू पेमेंट फॉर एसेट, अगर राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश हो गया है तो क्या ये आम हालात में इस चीज की इंडिकेशन है
कि आपने गुड्स बेच दी होंगी और देर फॉर पैसे रिसीवेबल होंगे। ये एंटिटी इज राइट है, ये सेलर है या बायर? सप्लायर, सेलर, सेलर, सेलर इज राइट। नंबर टू, कस्टमर इज अ लीगल टाइटल। अगर नाम कस्टमर की होगी चीजें तो ये भी आम हालात में चीज की इंडिकेशन होगी कि गुड्स का कंट्रोल ट्रांसफर हो गया है, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन आपको पता है, जरा ब्रैकेट में जाएगा। इफ आवर एंटिटी रिटेन्स द लीगल टाइटल, लीगल टाइटल मींस नाम, सोली मींस सिर्फ इसलिए, एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट कस्टमर्स फेलियर टू पे, स्टिल इट मींस कंट्रोल हैज बीन ट्रांसफर्ड एंटिटी टू द कस्टमर एट द टाइम ऑफ ये सेल ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। ये किस्तों पे जो चीजें बेचते हैं, प्लीज भी ठीक है, किस्तों पे, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई शख्स बाइक्स बेच रहा है तो बाइक डिलीवर करते ही वो लीगल ओनरशिप भी ट्रांसफर कर देना, वो अक्सर इसलिए। अच्छा, वो करता क्यों नहीं है सर? नहीं, मतलब इसलिए ताकि, क्योंकि अभी इसके पैसे लेने, अगर वो नाम ट्रांसफर कर देगा तो फिर जाके शायद वो ये नहीं कह सकता मेरी बाइक वापस करें, आप मेरे पैसे नहीं दे रहे। तो उसने अपने नाम सिर्फ इसलिए रखी हुई, सोलली इसलिए रखी हुई ताकि वो अपने पैसों को सिक्योर कर सके, और अगर कभी कस्टमर फ्यूचर में इंस्टॉलमेंट्स में डिले करे या ना दे तो वो जाके अपना एसेट वापस ले। कंट्रोल बताएं कब ट्रांसफर हो गया, मतलब हमने भी पॉइंट नंबर टू में क्या पढ़ा कि कस्टमर हैज अ लीगल टाइटल इज एन इंडिकेशन कि कंट्रोल ट्रांसफर हो गया होगा, लेकिन सेल ऑफ इंस्टॉलमेंट बेसिस इज एन एक्सेप्शन टू दिस पॉइंट कि समटाइम्स हो सकता है लीगल टाइटल ना भी ट्रांसफर हुआ और वो एंट्री के पास ही हो, स्टिल कंट्रोल ट्रांसफर हो गया होगा। तो वो कब ट्रांसफर हो गया होगा? जब ऐसे ट्रांसफर, जब आपने पकड़ा दिया होगा, क्या कंट्रोल ट्रांसफर हो गया होगा? तो आम हालात में तो नाम भी साथ ही ट्रांसफर होता है, लेकिन अगर नाम ना भी ट्रांसफर हुआ तो क्या इवन देन कंट्रोल ट्रांसफर हो सकता है सर? तो व्हाट इज द पॉइंट नंबर टू? कस्टमर हैज अ लीगल टाइटल, एनी एक्सेप्शन ऑफ दिस पॉइंट, सेल ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, एंड सेल ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस सिंपली मींस किस्तों की बात हो रही है, सर लीज की भी ठीक। नंबर थ्री, एंटिटी हैज ट्रांसफर्ड फिजिकल पोजेशन। किसने ट्रांसफर कर दी फिजिकल पोजीशन? तो इज इट आल्सो एन इंडिकेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल? लेकिन क्या इसकी भी कोई एक्सेप्शन? दो बोल्ड होने जरा ब्रैकेट इन इस पैराग्राफ में, कंसाइनमेंट अरेंजमेंट वर्ड एग्जाम में रखना जरा, सेल ऑन रिटर्न बेसिस एग्जाम में लाना। सेल रिटर्न बेसिस क्या होता है? क्या गुड्स डिलीवर हो गई और सेल आप रिकॉर्ड कर लेंगे? अब कब तक का वेट करेंगे? या तो वो आगे ना भेज दे या रिटर्न, या टाइम पीरियड ऑफ रिटर्न एक्सपायर ना हो रहा है। तो फिजिकल पोजेशन तो ट्रांसफर हो गई है, लेकिन स्टिल अभी आप सेल रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो। फिर एक बिल एंड होल्ड सेल पड़ा था, इसमें क्या होता है? इसमें फिजिकल पोजेशन ट्रांसफर ना होने के बावजूद सेल हो जाती है। तो आम हालात में क्या होता है? फिजिकल पोजेशन ट्रांसफर होने से कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन सेल ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, सॉरी सेल ऑन रिटर्न बेसिस, जिसे कंसाइनमेंट अरेंजमेंट लिखा हुआ या बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट इज एन एक्सेप्शन टू दिस पॉइंट। कंसाइनमेंट अरेंजमेंट में क्या होता है? चीजें चली जाने के बावजूद हम रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करते, और बिल एंड होल्ड सेल में चीजें ना जाने के बावजूद हम सेल रिकॉर्ड करते हैं। एक नजर पढ़ ले पैराग्राफ, सेल एंड इंस्टॉलमेंट बेसिस में जब आप गुड्स डिलीवर करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू की बेस पे आप अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, बाकी जो पैसे आपको टाइम बेसिस पे मिलने हैं वो इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है मिस्टर अब्दुल्ला? चले सर आगे जी, डी परचेज एग्रीमेंट अभी आना, वो भी मैं बताता हूँ कहाँ लिखा हुआ, इधर लिखा हुआ। हाँ ये मैं बताता हूँ, ये परचेज एग्रीमेंट अंडरलाइन करें, ये भी बात करते हैं। रीपर्चेज अग्रीमेंट अंडरलाइन करना बीच में। पॉइंट नंबर फोर सर, ये वर्ड्स तो शायद आपको बचपन से पता, कस्टमर हैज अ सिग्निफिकेंट, कस्टमर हैज अ या सेलर हैज अ? रिस्क एंड रिवॉर्ड्स किससे किसको चले जाए? पढ़ने इसके भी पैराग्राफ इस पर कोई ऐसा
and tail. And finally, the customer has accepted. Main points यही, बीच में उनकी exceptions पे अगर नजर पड़ जाए तो अच्छा. एक दफा जरा बोल दे पांच पॉइंट्स क्या थे नंबर एक दो तीन चार पांच. देन इसके बाद इनपुट आउटपुट मेथड्स हम रखने कर ली पेज नंबर 19 का. पेज नंबर 19 के एंड पे आएगा वेरिएबल कंसिडरेशन लिखा. वेरिएबल कंसिडरेशन अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन कैन वेरी बिकॉज ऑफ डिस्काउंट्स रिफंड्स इंसेंटिव्स. चेंज हो सकती है. बस उनको एग्जांपल आती है देन डिस्काउंट वाउचर भी है लेकिन ज्यादा रेट्रोस्पेक्टिव वाली ज्यादा बेहतर कि अगर इस थ्रेशोल्ड मीट हो गया तो हमें रेट्रोस्पेक्टिवली प्राइस कम करते हैं. तो उस केस में फिर एक वर्ड पढ़ना शुरू किया था हमने कि वेरिएबल है कंसिडरेशन. तो अगर कंसिडरेशन वेरिएबल हो तो फिर उसे एस्टिमेट करना पड़ता है. कैसे मेथड्स तो लिखे हैं बिल्कुल सिंपल सी चीज है हेडिंग उन्होंने मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग द वेरिएबल कंसिडरेशन. किस चीज का एस्टिमेट करने के दो मेथड्स लिखे हैं. एक सदी है एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड और दूसरा लिखा हुआ सिर्फ एज इट इज इन वर्ड्स के ऊपर आधारित है एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड. एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड हम काफी यूज करते रहे आई एस 37 में भी प्रोबेबिलिटीज की बेस पे. फॉर एग्जांपल 10 मिलियन रुपीज मिलने के 90% चांसेस हैं और 8 मिलियन मिलने के 10% चांसेस हैं. क्या करेंगे आप एक्सपेक्टिव परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके एक एक्सपेक्टेड वैल्यू सॉर्ट ऑफ निकालना तो परसेंटेज की बेस. दूसरी दूसरे वर्ड्स का क्या मीनिंग हो सकता है मोस्ट लाइकली ज्यादा चांस किसका. एक तो ये प्रोबेबिलिटीज की बेस पे परसेंटेज निकालना. एक ये है कि ज्यादा लाइकली क्या चीज है मोस्ट लाइकली क्या मतलब इसका एग्जांपल में देखो. तैयब एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड एन ऑयल रिग. ऑयल रिग उस इक्विपमेंट को कहते हैं जो एक्सट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होता है. इक्विपमेंट फॉर एक्सट्रैक्शन इक्विपमेंट फॉर ऑयल एक्सट्रैक्शन सर. कितने का ये ऑयल रिग बना के देना है. 1 लाख इज सेल प्राइस या परचेज प्राइस. हमारी सेल प्राइस उसकी परचेज प्राइस. इफ ऑयल रिग इज नॉट कंप्लीटेड ऑन टाइम देर विल बी अ पेनल्टी ऑफ 20,000. अगर टाइम पे कंप्लीट हो गया तो कितने पैसे मिलेंगे और अगर टाइम पे कंप्लीट ना हुआ तो फिर कितने मिलेंगे. फिर 80 है. पहले तो इस एंगल से देख लेंगे. तैयब कंपनी हैज बिल्ड सिमिलर ऑयल रिग्स बिफोर एंड देयर इज अ 90% चांस दैट द ऑयल रिग विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम. व्हाट इज द ट्रांजैक्शन प्राइस. आप बताएं. जी अब दो मेथड्स हमने पढ़े उसकी जरा एप्लीकेशन कर ले जरा अपने हाथ से जरा एंड में आंसर्स लिख लो. अगर हम एक्सपेक्टेड वैल्यूज के बेस पे वर्किंग करें अब ये दो मेथड्स है एस्टीमेट करने के. किस 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 चीज का एस्टीमेट करने का. अब ये कंसिडरेशन को फिक्स है या वेरी हो सकती है. अब ये कंसिडरेशन है कितनी उसको एस्टीमेट करने का मेथड नंबर 1 कौन सा यूज करने लगा. एक्सपेक्टेड वैल्यू में क्या करना है. 1 लाख मिलने का कोई चांस है. कितने परसेंट चांस है. और 80,000 मिलने का भी कोई चांस है. 80,000 कहां से आ गए. -20 उसका चांस कितना. 10%. अगर 90% इसका चांस है तो ऑन टाइम नॉट ऑन टाइम तो अप्रोक्सीमेटली 98,000. क्या ये एग्जैक्ट अमाउंट है. ये हमारा एस्टीमेट है. कितना कम मिलेगा कितना कम मिलेगा. अगर टाइम पे काम कंप्लीट करेंगे तो 1,00,000 मिलेगा. अगर टाइम पे नहीं करेंगे तो फिर 20,000 पेनल्टी मींस 80 नेट मिलेगा. तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि पूरा मिलेगा और इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि पूरा नहीं मिलेगा. ये पढ़ लिया ना प्लीज. 90% किस चीज का चांस था.
कि हम टाइम पे काम कर देंगे, देयरफॉर रेवेन्यू पूरा मिलेगा। तो इट इज अप्रोक्सीमेटली हमारे अंदाजे के मुताबिक 98,000 इज द ट्रांजेक्शन प्राइस बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड, मोस्ट लाइकली मेथड वर्ड लिखा। हाँ जी, मोस्ट लाइकली से अब वर्ड्स के ट्रांसलेशन कर दो, ज्यादा चांस किसका, क्या ज्यादा चांस इसी का है कि हम काम टाइम पे कर लेंगे। तो मोस्ट लाइकली मेथड के मुताबिक मेरा 1 लाख ही ट्रांजेक्शन प्राइस समझे। अब ट्रांजेक्शन प्राइस सिर्फ 1 लाख है या 98,000? नहीं मतलब वैसे, मतलब अभी हमें सही पता नहीं, मसला इस वक्त क्या है, इस वक्त हमें नहीं सही पता। तो फिर आप सही अगर नहीं पता तो एस्टीमेट कैसे करें, या कौन सा मेथड लगा लें, या कौन सा लगा लें। मतलब ये बात हो रही है, अब ये बात डेफिनेटली नहीं है कि आंसर सेम की नहीं है, ये दो अलग मेथड्स हैं, इनके आंसर डिफरेंट डेफिनेटली हो सकते हैं। अब आपको जो बेहतर लगेगा रियल लाइफ में वो तो आप उस वक्त अडॉप्ट करेंगे, लेकिन एग्जामिनर फिर आपको जो मेथड कहेगा उसकी बेस पे आपको आइडिया होना चाहिए। The percentage expected value method simply कि जिस अमाउंट है उसको उसके मुताबिक कैलकुलेट कर। चलें आगे, तंत्रने तंत्रने बस तुम क्या पढ़ते हो, नहीं खत्म नहीं हुआ सर। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी से पहले एक चीज रह गई थी, नंबर 27 पे रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। इससे पहले कि मैं रिवर्सल की बात शुरू करूं, जरा इंपेयरमेंट लॉस रिवाइज कर लूंगा मैं आपको उस दिन, एक नजर देख लें फिर। ये ना पूरा सिलेबस कैंडी आपने सही तरह से टाइम दे, बड़े टॉपिक्स हैं जिनको होपफुली अगर आपने साथ साथ कर लिया है उसके, बाकी डेफिनेटली आपकी चॉइस है, आपने जितने भी रिवाइज करना है, कोशिश करूंगा 5-6 सवाल से ज्यादा ना हो जो फाइनली आप रिवाइज कर रहे हैं। और अगर वो किए हैं तो आप उनको करके करके दोबारा एंजॉय करके हो गया हो गया हो गया, इसमें कुछ भी नहीं होना। मतलब आई एस 1037 है, 38 है, IFRS 9 है, ये सब मिक्स हो, असल प्रॉब्लम मिक्स हो जाता है और ये फिर हमारी चॉइस नहीं इन, लेकिन इनको भी अगर टाइम दिया तो ये कम टाइम में भी हो जाता है। IAS 41 है, ठीक है, तो आज IAS वो इतना इशू नहीं है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में दोबारा आ रहे हो। असल इशू ये उसके बाद अब ये है, तो इसको आज से जरा साथ जरा टाइम देना। नहीं ये भी अब अगर आपने साथ किया हुआ तो आज बिल्कुल फर्स्ट पेज से रीडिंग कीजिएगा और फिर रस्ते में जो जो चीजें आ रही हैं उनको जरा एक दफा, अगर आपने कर लिया तो ये भी इशू नहीं है। नहीं 37 ज्यादा खतरनाक है, ये भी नहीं, वो भी बहुत टेक्निकल, आपको ऐसा पता चल रही है वो, इसलिए अब आपको नहीं लग रहा क्योंकि आपने पढ़ लिया। तो मेरे ख्याल में तो ये भी अब रीजनेबली एग्जांपल्स अगर आपने कर ली है तो एग्जांपल्स की बेस पे ही है, तो इसको पढ़ लेते हैं, इसको देखते हैं कितना के टेक्निकल रह जाता है, कि टेक्निकलिटी भी तो खत्म करना। जी सर, ये इंपेयरमेंट लॉस पढ़ा था मैंने, सॉरी बीच में आपको रोक लिया। इसको किससे कंपेयर करते हैं इन केस ऑफ IFRS 15 इंपेयरमेंट लॉस, ये भी जरा से कैरी अमाउंट किसकी किसकी बजट इसकी कॉन्ट्रैक्ट एसेट की, कॉन्ट्रैक्ट एसेट की कैरिंग अमाउंट अगर किससे ज्यादा हो, नहीं उसको पढ़ देना, इससे एक्सीड कर दे, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन माइनस रिमेनिंग कॉस्ट टू बी इनकर्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर वो सॉर्ट ऑफ रिकवरेबल अमाउंट आएगी, उसको कैरिंग अमाउंट से कंपेयर। और अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा या रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा, अब आई एक पैराग्राफ लिखा रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, इसको जरा पहले एज इट इज एक नजर पड़ेगा। व्हेन द इंपेयरमेंट कंडीशंस नो लॉन्गर एग्जिस्ट और हैव इंप्रूव्ड, अ रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस इज रिकॉग्नाइज्ड। तो इंपेयरमेंट लॉस की जरा एंट्री बोलेंगे, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट एक्युमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस विद कॉन्ट्रैक्ट एसेट में लेस होगा, प्रॉफिट लॉस में इफेक्ट जा रहा है। अब रिवर्सल की एंट्री क्या होगी, बुलेट एंट्री होता है, फिर इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट होता है,
तो भाई वो कब होना है काम, कहता है व्हेन इंपेयरमेंट इंडिकेशंस नो लॉन्गर एग्जिस्ट। क्या इंपेयरमेंट लॉस तब होता है जब इंडिकेशंस ऑफ इंपेयरमेंट आते हैं, लेकिन अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रही कंडीशंस या वो उलट हो गई, पहले हमें खतरा जो थे वो रिवर्स हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, फिर क्या होना चाहिए? इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड किया था रिवर्स हो जाना चाहिए, लेकिन इसमें अब एक लिमिट बताई हुई नेक्स्ट कि कितना रिवर्स होना चाहिए। दिस विल री इंस्टेट एसेट। अब री इंस्टेट एसेट का मतलब एसेट ने भरना है या कम होना, बट द इंक्रीज कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट शेल नॉट एक्सीड द अमाउंट दैट वुड हैव बीन डिटरमिंड नेट ऑफ अमोर्टाइजेशन इफ एनी इफ इंपेयरमेंट लॉस हैड नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड। रिवर्स आप कर सकते हैं, लेकिन कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट उस अमाउंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उस अमाउंट से ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए जो होती अगर इंपेयरमेंट लॉस पहले रिकॉर्ड ना हुआ होता। अब इसको समझ निकली मैंने एक छोटी सी एग्जांपल लिखनी है आपके सामने, पहले आप देख लीजिएगा फिर इसकी जगह जरा ढूंढनी पड़नी है कहाँ लिखी जा सकती है। लेट्स सी 30th June 2020, पहले आप कंडीशन लिखिएगा, नहीं स्पेस की आपको नहीं पता कितनी जरूरत है। 30th June 2020 पे सपोज इंपेयरमेंट लॉस आया, कैसे कैलकुलेट करूं कि इनका डिफरेंस हो? कैरिंग अमाउंट थी सपोज 10,000 और रिकवरेबल अमाउंट थी, मैंने वही डाटा ऊपर वाला लिया है शुरू में, तो 9,000। डिफरेंस कितना बना? 1,000 का दाम क्या बन गया? क्यों इंपेयरमेंट लॉस? कैरिंग अमाउंट ज्यादा है। इंपेयरमेंट लॉस जब आप रिकॉर्ड कर लेंगे, जब इंपेयरमेंट लॉस आप रिकॉर्ड कर लेंगे कितने से कितना हो जाएगा सर? 30th June 2021 आ गए। अब आपकी कैरिंग अमाउंट अगर वर्किंग की जा रही हो तो कहां से शुरू होगी? 9,000। लेट्स अज्यूम 1,000 और खर्चा होना था वैसे अभी, ये देखते हैं ना पिछला पेज जरा साथ देखते हैं, क्या कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया था या अभी चल रहा था? तो 1,000 खर्चा और हुआ, लेकिन अब इसमें से लेट्स अज्यूम ये जो खर्चा हुआ इसे आपने 4 सालों में अमोर्टाइज करना है। अमोर्टाइज करने का मतलब क्या होता है? यहाँ एक्सपेंस आउट है, यहाँ कोई डेप्रिसिएशन के सेंस में नहीं, मतलब फॉर एग्जाम्पल इसे रिमेनिंग 4 ईयर्स में एक्सपेंस आउट हो, तो कैलकुलेटर बोला नहीं, एक मिनट अमोर्टाइजेशन पहले आ जाएगी, 2500 amortization बन जाएगी और फिर final carrying amount बन जाएगी। यहां तक जरा एक नजर देख लें, कोई confusion मेरी figures में? 2020 में क्या हुआ? 2020 में क्या हुआ सर? impairment loss आया, आपने उसकी entry की, carrying amount recoverable amount के बराबर हो गई, हमारा asset 9,000 का रह गया। नेक्स्ट ईयर फिर 30th June 2021 पे आते आते फर्दर 1,000 फॉर एग्जांपल कॉस्ट और इंकर हुई, जिसे हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में प्लस कर लिया, और लेट्स अज्यूम इसने अब 4 सालों में एक्सपेंस आउट होना है, तो वो हमने अमोर्टाइजेशन निकाल के फाइनल कैरिंग अमाउंट निकाल लिया। ठीक है, अब लेट्स अज्यूम इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स हो रही और अब रिकवरेबल अमाउंट है, पिछला पेज पे जाए और बताइए मैंने रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट कैसे की होगी, पूरे वर्ड्स के साथ बताओ। पेज नंबर 26 पे जाके बता दो रिकवरेबल अमाउंट मैंने कैलकुलेट कैसे की होगी। रिमेनिंग कंसिडरेशन मैंने की होगी और माइनस रिमेनिंग कॉस्ट ली होगी, तो लेट्स अज्यूम ये 8400 फिगर आ गई। क्या इनका डिफरेंस अब एसेट बढ़ना है कम होना? अब रिवर्स होना है। सवाल यहाँ ये है कि क्या ये सारा डिफरेंस रिवर्स हो रहा है ना? एसेट बढ़ना है कम होना, लेकिन अभी वो लाइंस पढ़े जरा, ये एसेट पूरा नहीं बढ़ा देना, इसकी एक लिमिट है, ये किससे ऊपर नहीं जाना चाहिए? अब एक दफा दोबारा पढ़ के जरा बोलना अपने लफ्जों में, किस कैरिंग अमाउंट से ऊपर नहीं जाना चाहिए? सेंटेंस छोटा सा लिखवाएंगे कि आप मुझे क्या कैलकुलेट करना है? कैरिंग अमाउंट दैट यहां से वर्ड्स ढूंढना, यहां से वर्ड्स देख के बोलो, अच्छे से वर्ड्स बताना। प्रीवियस
मुझे कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करनी है दैट वुड हैव बीन हैड नो इंपेयरमेंट लॉस वाज रिकॉग्नाइज्ड. तेजी से बोलना था, क्या कैलकुलेट करना? दैट वुड हैव बीन, दैट वुड हैव बीन हैड नो इंपेयरमेंट लॉस वुड हैव बीन, दैट वुड हैव बीन इंपेयरमेंट लॉस हैड नो इंपेयरमेंट लॉस बीन रिकॉग्नाइज. लेकिन एक वर्ड दरमियान में और है, नेट ऑफ, नेट ऑफ अमोर्टाइजेशन. हाँ जी, वो मैं बता देता हूँ. ये ठीक है वर्ड? अब जरिए अप्लाई करवाना अगर आपने, अगर इंपेयरमेंट लॉस ना हुआ होता. अच्छा, हम खड़े किस साल के एंड पे? 2020 21 22 21 के एंड पे खड़े. स्टार्ट मैंने कहां से लिया था अपनी वर्किंग का? नहीं नहीं, 20 से बाद 2021 में आकर मैंने अपनी वर्किंग का स्टार्ट किया था 9000 से. तो 9000 स्टार्ट मैंने क्यों किया? क्योंकि इंपेयरमेंट लॉस हमने रिकॉर्ड कर लिया था. अगर इंपेयरमेंट लॉस ना हुआ होता तो क्या हमारे एसेट की का स्टार्टिंग पॉइंट 10000 ही होता? लेकिन क्या 1000 फर्दर जो इंकर हुआ वो इसमें ऐड होता? क्या डिवाइड बाय 4 होता? आंसर बता. 2750 क्या होता अगर क्या ना किया होता? अगर इंपेयरमेंट लॉस ना किया, रिकॉर्ड ना किया होता, और अगर इंपेयरमेंट लॉस ना रिकॉर्ड किया होता तो इस अमोर्टाइजेशन के बेस में हमारी कैरिंग अमाउंट क्या होती? कैसे 10000 11000 हो गया ना अभी. अच्छा, ये 7500 पता सबको कैसे आया था? कैसे 10 टोटल हो गया था ये माइनस 25 और यहाँ 11000 माइनस 2750 8250 8250 क्या है? कैरिंग अमाउंट जो होती अगर इंपेयरमेंट लॉस ना रिकॉर्ड किया हो. कैरिंग अमाउंट इस वक्त मौजूद कितनी है? 7500. रिकवरेबल अमाउंट कितनी मैंने ज्यूम की है? लेकिन आप मैक्सिमम कहां तक रिवर्स कर सकते हैं? इट मींस डिफरेंस लें 750 इज द अमाउंट ऑफ रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस. असल में सारी 8250 वाली वर्किंग की क्वेश्चंस नहीं, मतलब इस वर्किंग की सेंस, अगर इंपेयरमेंट लॉस ना होता तो हमने यह होना था. तो हमने सिर्फ लॉस रिवर्स करना है. अगर 8250 से ऊपर चले गए तो ये गेन रिकॉर्ड होगा. हमने सिर्फ क्या रिवर्स करना है? लेकिन आपको ये नजर ये आ रहा है कि लॉस 1000 हुआ था, मैंने 750 रिवर्स किए. उसकी भी एक वजह आपको नजर आ रही है. अमोर्टाइजेशन भी कम चार्ज हुई थी हमारी 2500, होनी थी 2750. तो वो जो ज्यादा हो जानी थी अमोर्टाइजेशन वो तो ठीक है. क्या 250 अमोर्टाइजेशन और 1000 का नेट इफेक्ट यही है सर? इससे ऊपर क्यों नहीं जाना? वरना फिर रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस नहीं रहेगा, वो गेन की रिकॉर्डिंग होगा. समझ आ रही मेरी बात? तो 1000 लॉस हुआ था, मैं 750 की रिवर्स कर रहा हूँ. तो अगर रिवर्सल हो जाए तो कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट आप कंपेयर तो कर लेंगे, लेकिन उनका एज इट इज डिफरेंस नहीं लेना. उनका डिफरेंस लेने से पहले एक वर्किंग क्या करनी है, कि कैरिंग अमाउंट दैट वुड हैव बीन हैड नो इंपेयरमेंट लॉस बीन रिकॉर्डेड. एक लेकिन और चीज सुनना जरा. फर्ज करें ये रिकवरेबल अमाउंट इसकी होती 8100, तो जरा दोबारा ये लाइन पढ़ दे. Shall not exceed. अब 8250 तक आते हैं या बस 8100 ही तक रहते? 8100 तक रहते हैं या 8400 तक आते? आप इसे एज इट इज लिख लें, दूसरी बात पर हम बात में करते. अब ये कहाँ लिख सकते हैं? बस तो ये इसके इर्द गिर्द ऊपर जगह बनाने की कोशिश करें, जरा थोड़ी शॉर्ट करते. हाँ, अगर पेज लेके सेपरेट स्टेपल लगा लेंगे, जैसा हिस्टोरिकली आप स्टेपल लगाते रहे हैं, फिर तो ये मोस्ट लाइकली है कि आप आज भी लगा देंगे. लेकिन अगर उसका हिस्टोरिकल एविडेंस मौजूद नहीं है कि आपने कोई पेज जो है स्टेपल लगाया है, तो ना अपने आप को ये रिस्क दें, वो ये भी रह जाए. तो ये वेरिएबल एक चीज है, शायद एक आप पेज लगा लिया हो, लेकिन मेजॉरिटी का हिस्टोरिकल एविडेंस ये है कौन से पेज की बात हो रही है. तो मोस्ट लाइकली नहीं है, हाईली भी नहीं है,
100% लाइकली यही है कि ये पेज रजिस्टर के अंदर ही रह जाना है, तो बेहतर है कि वर्चुअली सर्टन भी शायद उसमें कोई ना कोई खतरा रहता ही है। ये 100% एब्सोल्युटली सर्टन है ये पेज रह जाना है इधर ही लिखने के लिए। पिटअप हो जाए सर, फिर आप लोग खट जाना थोड़ी देर बाद। और सोचा इसका आंसर, इफ रिकवरेबल अमाउंट ऑन 30 जून 2021 इज 8100 इंस्टेड ऑफ 8400, अपना ओपिनियन दें। नहीं फिर मतलब 8250 पे क्यों नहीं जाना, फिर हमारे इस एसेट की वर्थ 8250 है ही नहीं। हमारे ये एसेट कितना हमें फ्यूचर बेनिफिट देगा? 8100 की वर्किंग सेम मिला है ना, 8100 है क्या? नहीं, रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट कैसे हुई? मतलब ये बता क्या रही है कि फ्यूचर में रिसीवेबल है कुछ और उस पे खर्चे हैं, मतलब नेट फायदा ये है। रिकवरेबल अमाउंट का मीनिंग इसमें ये होता है ना कि नेट फ्यूचर में फायदा मिलना कितना, तो उधर तो 8400 फ्यूचर में फायदा नहीं मिलना पहले सिनेरियो में, तो पहले सिनेरियो में 8400 फायदा नहीं मिलना सर, फिर 8400 क्यों नहीं गए? नहीं रिस्ट्रिक्शन की वजह शायद पता है,
कि फिर वो गेन रिकॉर्ड हो जाएगा फ्यूचर में जो गेन एक्सपेक्टेड है, लेकिन अभी यहाँ 8 to 5 0 तक क्यों नहीं जाना, क्योंकि उतने उतने हमारे एसेट की वर्थ ही नहीं है, तो शायद यहाँ से लोअर ऑफ एक बनता है मेरा ख्याल, एक लोअर ऑफ का प्रिंसिपल बन जाएगा यहाँ। किस किस का लोअर ऑफ? रिकवरेबल अमाउंट एंड द कैरिंग ऑन दैट वुड हैव बीन हैड नॉन पेमेंट ऑफ, मतलब पहले 8400 है और 8 to 5 0 है, तो 8 to 5 0 तक रहे आप, अब 8 to 5 0 है और 8100 है, तो पहले तो इसका आंसर लिख लें, फिर एक फाइनल सेंटेंस लिख लेते हैं। इफ रिकवरेबल अमाउंट ऑन 30 जून 2021 इज 8100 इंस्टेड ऑफ 8400 देन रिवर्सल ऑफ लॉस विल बी, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स गाइड करेंगे जी, रिवर्सल ऑफ लॉस विल बी कितनी आप भी कैलकुलेट करके बताएं, कहां से कहां आना है, 8100 माइनस 7500 से फिर कहां तक आना, 7500 से कहां तक आना है सर, 8 to 5 0 तक क्यों नहीं जाना, नहीं मतलब कॉन्सेप्चुअली मतलब कहां नहीं जाना, बाकी तो ठीक है, उतने हमारे एसेट की वर्थ ही नहीं है 8 to 5 0, और अगर वर्थ ज्यादा है और एसेट की वैल्यू ही 8 to 5 0 थी तो फिर वहीं तक रहना, तो फाइनली लिख लेते हैं जरा, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ लोअर ऑफ, ये किस किस का लोअर ऑफ, रिकवरेबल अमाउंट एंड कैरिंग अमाउंट, हाँ जी कैरिंग अमाउंट इफ नो इंपेयरमेंट लॉस, शॉर्ट वर्ड्स में कैरिंग अमाउंट नेट ऑफ अमोर्टाइजेशन, बस एक if no impairment loss, एक मिनट के लिए रुके, पेज नंबर 42 पर कल वाला पेज सेट पे बच्चों कर दीजिए सर, इधर खुल सकता है, पेज नंबर 42 पे एक मिनट। अच्छा इसमें ना कुछ क्वेश्चंस अब रहते हैं, तो मेरा ख्याल है पहले आप रीडिंग कर लीजिएगा, फिर साथ साथ ये करने पड़ना है, ऐसा नहीं होगा, मैं बताता हूँ रीडिंग कहाँ कहाँ तक करें। पेज नंबर 42 पे एक क्वेश्चन नंबर 1 जरा पढ़ना शुरू करें, प्रवेश एक मिनट, प्रवेश फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस, पढ़े पहली ट्रांजेक्शन, whether following transactions took place at Parvez Limited, number one, on 5th March 2017 PN sold goods to bank, concentrate karna chahta hai, ek nayi cheez aa rahi hai,
18 million cash and agreed to repurchase the goods for 19 million cash on 5th July 2017. Goods will be shifted to the storage facility under the bank's control and security. इसके साथ जरा पहले एक वर्ड या चले पहले आप बताएंगे क्या एक स्टोरी है क्या किसने किसको चीजें बेची हैं सेलर कौन है बायर कौन है किसने किसको चीजें बेची हैं किस एग्रीमेंट में बेची हैं कौन किससे रीपर्चेज कर देगा क्या सेलर बायर से रीपर्चेज कर देगा बेची कितने पे है खरीदेगा कितने पे तो अगर वापस ही खरीदनी थी तो महंगी दोबारा खरीदने की वजह सस्ती बेची है और महंगी चीजें वापस लेना ये कौन सा डिसीजन है सॉरी सर अपने पेज पढ़ते रहिए और मेरा पेज नीचे किसने किसको चीजें बेची हैं कितने की बेची हैं कब वापस ले लेनी है कब ले लेनी है किसने किससे वापस लेनी है इसके ब्रैकेट में लिखा जरा इस तरह के एग्रीमेंट को कहते हैं रीपर्चेज ये जो इस वक्त स्टोरी है वो ये है ये आप लिख लिया पर रीपर्चेज एग्रीमेंट है जी सर मीटिंग स्टार्ट हो गई तो कह रहा है मौका मिला दुनिया सर ये इसमें बड़ी तेज है अकाउंटेंट्स को धोखा देना चाहती है अगर बैंक से लोन लें तो एंट्री बनने क्या होती है ये लोन फिर आपको स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन में नजर आएगा लाइबिलिटीज में नजर आएगा और देयर फॉर फिर गेयरिंग रेशियो जरा जहन में लाए गेयरिंग रेशियो बढ़ जाएगी आ जाएगी याद और फ्यूचर में लोन लेना मुश्किल होता है लेकिन अगर चीजें बेचे तो एंट्री क्या होगी सेल क्रेडिट रेवेन्यू क्रेडिट रेवेन्यू क्रेडिट करेंगे तो इनकम भी बड़ी नजर आएंगी प्रॉफिट भी बड़ी नजर प्रॉफिट भी बड़े नजर आएंगे इक्विटी भी बढ़ी नजर आएगी और अगर एक लोन्स नहीं है तो इक्विटी और बढ़ जाएगी लोन लेने में आसानी रहेगी तो लोग क्या करते हैं एग्रीमेंट कर लेते हैं सेल एंड रीपर्चेज का और देयरफॉर अब जरा अमाउंट के साथ देखें एंट्रीज क्या होती हैं जब कैश मिलेगा तो एंट्री लोग कर लेंगे अब बैंक बेचेंगे तो कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट 18 मिलियन पैसे आ गए पैसे आ गए इस्तेमाल भी करते रहेंगे और लायबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नजर भी नहीं आएगी फिर आप 19 मिलियन पे चीजें वापस क्यों खरीद रहे हैं नहीं बैंक भी मतलब वो खरीद रहा है पैसे दे रहा है फिर वापस कर देगा तो 1 मिलियन एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हैं तो इंटरेस्ट बुरा होता है इसलिए जब 19 मिलियन पे खरीदेंगे तब एंट्री क्या हो जाएगी परचेजेस डेबिट कैश पे 19 मिलियन पे कह देंगे चीजें 19 मिलियन की
क्या नजर आए बगैर पे भी हो जाएगा? नो, नजर आए बगैर पे भी हो जाएगा। दोबारा पहली एंट्री बोला, कैश डेबिट, सेल क्रेडिट, और डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ सेल वाली एंट्री कर रहे हैं आप। जी सर, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, स्टॉक क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल जो भी अमाउंट होगी, फिर जब कभी खरीदेंगे परचेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट, दोबारा इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा, पैसे भी आए, इस्तेमाल भी हो गए, विद इंटरेस्ट वापस भी हो गए, फाइनेंशियल चार्जेस में भी नजर नहीं आएगा, परचेजेस में नजर आएगा। लेकिन आज के बाद जब मैंने आपको ये बता दिया, अब आप तो नहीं कभी जिंदगी में ऐसा धोखा खाएंगे। अगर इस तरह का कभी आप ऑडिट करने कहीं जाए और इस तरह का एग्रीमेंट आपको नजर आए, तो क्या आप ये कह देंगे कि ये रेवेन्यू ट्रांजेक्शन नहीं है? ये सिक्योर्ड लोन है। सिक्योर्ड वर्ड मैंने बीच में क्यों बोला? बैंक की कस्टडी है, बैंक की सिक्योरिटी में। क्या बैंक इन्हें फॉरन भेज देगा? हाँ, अगर पैसे नहीं देंगे तो भेज देगा। तो ये कोई सेल छुपी हुई इसमें या इसमें लोन छुपा हुआ? नहीं, वो सर क्यों नहीं आएगा, मैं बात करने लगा। अगर ये सेल नहीं है तो फिर ये क्या है? इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या वो लोन की तरह नहीं है? अगर आप बैंक से लोन लें तो पैसे मिल जाते हैं, तो या आप सिक्योरिटी भी देते हैं। क्या जब वापस करते हैं तो फिर कुछ एक्स्ट्रा भी देते हैं, वो इंटरेस्ट है, और चीजें फिर ऑब्वियसली बैंक की कस्टडी की बजाय कस्टडी में वापस आ जाएंगे। तो क्या ये गुड्स को गिरवी सॉर्ट ऑफ रखवा के, सिक्योरिटी के तौर पर रखवा के एक फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है या ये रेवेन्यू अरेंजमेंट? तो इसकी एंट्रीज क्या होनी चाहिए फिर? कैश डेबिट, लोन क्रेडिट 18 मिलियन, देना तो 19 मिलियन है, वो टाइम बेसिस पे इंटरेस्ट में है। फिर अगर अब ये कितने महीनों का टाइम पीरियड बीच में, मार्च से जुलाई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो अगर तो बीच में ईयर एंड आ जाए, फॉर एग्जाम्पल 30 जून पे ईयर एंड आ जाए, तो फिर जितना बनेगा, जितना बनेगा मार्च से लेके अब, टोटल इंटरेस्ट वैसे इसमें कितना? 1 मिलियन है ना, 1 मिलियन टोटल इंटरेस्ट है 4 महीनों का। तो अगर ईयर एंड आ जाए बीच में, तो फिर डिवाइड बाई 4 into नंबर ऑफ डेज बनेंगे, तो टाइम बेसिस पे इंटरेस्ट रिकॉर्ड होगा, जितना अगले पीरियड का बनता है अगले पीरियड में रिकॉर्ड होगा। ऐसे है ना जी? तो पहली एंट्री क्या बनी? कैश डेबिट, लोन क्रेडिट। दूसरी एंट्री इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, पे नहीं किया होगा तो पेबल क्रेडिट, और फाइनली फिर एंट्री क्या हो जाएगी? लोन डेबिट, पेबल डेबिट, अगर इंटरेस्ट आपने अक्रू कर लिया तो कैश क्रेडिट कितना हो रहा होगा? एंट्रीज लिख मैं, नहीं पहले ये क्लियर होगी मेरी बात कि ये कौन सी ट्रांजैक्शन नहीं है, कौन सी है, ये कौन सी ट्रांजैक्शन नहीं है। एक सेंटेंस लिखा था जो मैंने बोला, इट इज नॉट अ रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, इट इज सिंपली अ सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन से मेरी मुराद क्या है? पैसे लिए गए हैं इन गुड्स को एज अ सिक्योरिटी यूज करके। ठीक है सर, पहली एंट्री कैश डेबिट लोन क्रेडिट, दूसरी डेट बोला। अच्छा, ईयर एंड का इसमें कोई जिक्र नहीं है तो सीधे 5 जुलाई पहुंच जाए, 5 जुलाई, वरना सही है। अगर ईयर एंड पे आ जाए तो रुक के क्या करेंगे? जब टाइम गुजरा होगा उसका इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे, बेस्ड ऑन 1 मिलियन। ये एंट्री के बाद 5 जुलाई को क्या करेंगे? लोन डेबिट 18 मिलियन, कैश क्रेडिट 19 मिलियन, 1 मिलियन एक्सपेंस डेबिट। लेकिन जो 1 मिलियन लाइबिलिटी वो टाइम बेसिस पर बनेगी। 19 मिलियन पे रीपर्चेज करना लाइबिलिटी है, लेकिन फिलहाल 18 मिलियन लाइबिलिटी है, टाइम बेसिस के साथ 1 मिलियन और बन जाएगा। तो ये लोन पेबल क्या मतलब?
वही खरीदना, वही पैसे दे के दोबारा खरीदना ही दिलाते थे। इट मीन्स नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। ये जो गुड्स चली गई बैंक की स्ट्रीम में, इसका क्या करें? क्या ये हमारी गुड्स है? हमारी ही है, कब हमारी नहीं रहेंगी? अगर हम पेमेंट नहीं करेंगे फिर बैंक के रहेंगे, फिर उस वक्त की पैसे क्या? अगर कि एसेट रखवा के आप लोन लें बैंक से, तो एसेट बैंक का साथ ही हो जाता है, क्या आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रहेगा? अच्छा, इस लोन की एंट्री के साथ कॉस्ट ऑफ सेल वाली भी तो एंट्री करेंगे, और करेंगे सर? कोई नहीं करेंगे सर, वो तो तब करते जब सेल होनी थी। ये गुड्स के आप ही की हैं। अगर बीच में ईरेंट आ जाए तो क्या आपके स्टॉक में नजर आएंगे? एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड तो नथिंग एल्स इज चेंज एक्सेप्ट ओनली रीपर्चेज एग्रीमेंट इज सिंपली अ फाइनेंसिंग एग्रीमेंट एंड द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल प्राइस एंड द रीपेमेंट प्राइस इज रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरेस्ट ऑन टाइम बेसिस। ठीक है, कल मैंने आपको एक सेट दिया था, उसमें एक थोड़ा सा एक एग्जांपल और है, अगर एक मिनट निकाल लूंगा जो ऑनलाइन स्टूडेंट से पास है। वो अगर एंट्री करनी है कि इधर की बजाय आप किसी के पास है, वो हो सकती है, लेकिन वो है हमारा, हमारी ही स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। हाँ, अगर ये है कि किसकी बजाय किसके पास है, तो वो एंट्री अगर करनी है तो, लेकिन वो एंट्री कॉस्ट पे हो। इधर सो इसमें एग्जांपल थ्री होगी, दूसरे पेज पर फर्स्ट पेज के बैक साइड पे, एक दूसरे पेज पे। जी, गेयरिंग रेशियो अच्छी रखने के लिए इस तरह से ट्रांजेक्शन की जाती है। ये पढ़ी हुई पहले कुछ से पढ़ लें, मतलब वही बात है ना सर। हाँ सर, हाँ, ऑडिटर अगर चाहे तो उसे सब पता कर सकता है, लेकिन अल्लाह करे वो आराम से कहीं ऑफिस में बैठ के चाहे, वो किसी रेस्टोरेंट में बैठ के अगर चाहेगा, या किसी सैर तफरी के रास्ते मुकाम जाते जाते गाड़ी में बैठ के चाहेगा, फिर बड़ा मुश्किल होता है। अगर वो काम करते करते ये जहन में रखेगा आज रात कौन से रेस्टोरेंट की बारी है, तो फिर कुछ नहीं हो सकेगा, वरना सब कुछ हो सकेगा। नहीं मतलब बारी होती है, मतलब इंसान बोर हो जाता है। और सर जी जानते हमारी अगर वर्बल हो, ये कौन से एग्रीमेंट वर्बल होते हैं बिजनेस में, मजाक हो रहा है? अगर वर्बल हो सारा फिर तो कुछ भी नहीं पता चलेगा, हर चीज के डॉक्यूमेंट्स होंगे सर, जान ना छुड़ाई इंशाल्लाह पता चल जाएगा। ये पढ़िए सर, जरा सॉरी मैं सामने नहीं आ रहा, नहीं पढ़ना तो भाई देने दे, वापस मैं पढ़ लेता। पढ़ दे सर जी, जिनके पास सफेद रमचंद जी बाद में पढ़ दे, मुझे भी सुनाई देता। इसका जो कंक्लूजन में लिखा हुआ है कि क्या क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो जरा सीधा पढ़ता है। क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, पढ़िए क्या क्या चार पांच पॉइंट्स लिखा है। नंबर वन वो कहता है कि जो स्टॉक है हमारे पास ही होना चाहिए, एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनालिसिस, ये स्टॉक ही है हमारा ही है अंटिल हम डिफॉल्ट करें। नंबर टू, फाइनेंसिंग रिकॉर्ड करेगा कैश डेबिट लोन क्रेडिट, आगे फाइनेंस एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा टाइम बेसिस पे, आगे जब पे करेगा उसका लाइबिलिटी सेटल होगा। ठीक है, ये चार पॉइंट्स है ना जिस सतीब में, इनको जरा एक नजर पड़नी चाहिए, और ये पेज भी कांडी जरा कहीं यही हमेशा की तरह स्टेपल हो सके। सेकंड सिनेरियो पढ़ा, जनरल स्टूडेंट से पढ़ ली,
नहीं इसको इस पेज पे रहने, इसमें है दो तीन एग्जांपल। पहले जरा ये जो परवेज वाला दूसरा हिस्सा, पेज नंबर कौन सा था? नहीं इसमें दो तीन एग्जांपल ये आईएफआरएस 9 की। नहीं क्या चीज है ये? Smart PL says car manufacturing division consigned several vehicles to the independent dealers for sale to the third parties. The sale price for the dealer is PL's list price at the date of sale to third parties. If a vehicle is unsold after 6 months, the dealer has the right to return. Simple है ये? क्या ये? नहीं cash debit से पहले इसके साथ देखिए consignment arrangement। इस तरह के words जरा कुछ ध्यान में रखने हैं। Consignment arrangement, sale or return basis. कंसाइनमेंट अरेंजमेंट या सेल और रिटर्न बेसिस। अब कंसाइनमेंट अरेंजमेंट हो या सेल और रिटर्न बेसिस हो, इसका करना क्या है? नहीं नहीं अब ये भी जरूरी नहीं है, इसकी पूरी एक बहस है। अगर हमें एक्सपेक्टेशन है कि रिटर्न्स नहीं होंगी या होंगी, हमारे पास हिस्टोरिकल एविडेंस है ही नहीं है, ये पूरी बात होनी चाहिए सर। बता दें, पूरा बता दें। नंबर वन, अगर हमारे पास हिस्टोरिकल एविडेंस ऑफ रिटर्न्स है, एक्सपेक्टेशंस हमारे पास है, तो क्या करें हम? अभी एस्टीमेट करके एक्सपेक्टेड वैल्यूज के बेस पर रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे अगर हमें सिग्निफिकेंट रिवर्सल का चांस नहीं लग रहा। लेकिन अगर हमें अभी हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, हम कुछ कह नहीं सकते, फिर हमें कब तक वेट करना चाहिए? पूरे वर्ड बताइएगा, या तो टाइम पीरियड एक्सपायर ना हो जाए या वो आगे ना भेज दे। पेज नंबर 45 पे इन दोनों के आंसर्स पढ़, और आंसर जरा ज्यादा सारा पढ़ेंगे तो थोड़ा सा लिख सकेंगे। ये ना कि देखिए इतना सारा पढ़ेंगे तो पांच के लाइनें अपनी बना सकेंगे, एक लाइन ही पढ़ेंगे तो आधी भी नहीं याद रहेंगे। ठीक है, कोई नई चीज नहीं निकली? देखिए यहाँ क्या क्या तो पीएल परवेज नहीं है,
प्रवेश की बुक में रहनी चाहिए। नहीं बुक्स 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 मींस मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारे फिजिकली चाहे ना भी हो, फिजिकली की बात नहीं हो रही, शुड रिमेन इन द बुक्स हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। हमारी ही इन्वेंट्री है, हमारा ही स्टॉक उसके पास पड़ा। हम एक अगर नाम ये नाम रख भी लें स्टॉक विद थर्ड पार्टी तो ये हमारा एसेट है जब पड़ा किसी और के पास। चले सर पहले 3100 पेजेस है ना आज इसके, इनकी जरा एक रीडिंग आपने करनी है। फर्स्ट 31, अब 31 से ना परेशान हो जाइएगा, बीच में बड़े बड़े सवाल भी हैं। तो फर्स्ट 31, 1 से 31, सॉरी आज वो जरा स्टैंडर्ड की तरफ नहीं हम जा सके, तो इंशाल्लाह कल सही कर। तो पेज 1 से 31 ठीक है। जी बेटा वो इस वक्त पढ़ लें, बाद में मेरा ख्याल है डिसाइड हो जाएगा, अभी आप पढ़ लें बस एक आध दिन में फाइनल कर लेते हैं कि ये किस तरह से फिर लिखना चाहिए। तभी आपको मेरा ख्याल है एटलीस्ट अपना जरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए, बाकी उसको लिखने के फिर डिफरेंट तरीके आपके सामने आ जाएंगे, तो उसमें से कोई भी अडॉप्ट किया जा सकता है, वो इतना कोई इशू नहीं है। लिखना आना चाहिए बस कि लिखना क्या है, उसको डिफरेंट तरीकों से अकॉर्डिंगली अरेंज किया जा सकता है। ये अपनी बनानी तो बना लें वैसे तो मेरा ख्याल है, लेकिन इसमें कोई इतनी खास जरूरत नहीं है, बनानी होगी जहां महसूस करें ठीक है। स्टैंडर्ड कौन सा लाना जी, B1 and A1 A2। बहरहाल आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा स्टैंडर्ड लाते हुए। पहला पेज तो देखना ही नहीं है, अगर ये सेम है तो इसको रहने दें, जो पेजेस देखने अगर उनमें कोई फर्क होगा वो देख लेंगे। ये आई कैप से कंसल्ट करेंगे, अगर A2 नहीं आया तो आई कैप ही बता सकेगा आप क्या करें। ये हाँ जी दोबारा